यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने भर्ती परीक्षा 2022 का कैलेंडर जारी किया है। जो उम्मीदवार यूपी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो क्या है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, जो भी उम्मीदवार यूपी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि uppsa.up.nic.in पर जाकर वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तारीख चेक कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2022 को आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2021 भी अब मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा जो कि 28 से 31 जनवरी 2022 को आयोजित होना था। वही यूपीएससी मेंस 2022 एग्जाम सितंबर 2022 में होगा। तो क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आइए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक टेबल यानी कि एक सूची, पूरा एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें आपको सभी एग्जाम्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें एग्जाम है वो है प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेट ग्रेड बी, प्रबंधक यानी सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेट ग्रेड बी परीक्षा जो है दोस्तों वो आपकी होगी 5 मार्च 2022। तो ये जो आपका पूरा एक तिथि है यहाँ पर आपको दी गई है, ये एग्जाम जो है आपका वो शनिवार को होगा। अगले हम बात करते हैं तो वो है प्रोग्राम ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रबंधक परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रोग्राम ग्रेड 2 की परीक्षा भी दोस्तों 5 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाई जाएगी। तीसरी जो परीक्षा आती है वो है प्रवक्ता यानी पुरुष या महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा, आपकी दोस्तों 13 मार्च 2022 को होनी है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020 भी दोस्तों 15 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाई जाएगी, जिस दिन आपका मंगलवार पड़ रहा है। अब आते हैं हम अपनी पांचवी परीक्षा के ऊपर जो है प्राविधिक शिक्षा यानी अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के शेष विषय जो बच गए हैं उनकी जो परीक्षा है वो होगी 22 मार्च 2022 को यानी मंगलवार को। अब आते हैं हम हमारी अगली परीक्षा, ये है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा। इस परीक्षा के लिए अधिकतर उम्मीदवार जो हैं वो अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं वो ये परीक्षा देना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि जो भी उम्मीदवार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा देना चाह रहे हैं उनकी जो परीक्षा है वो दोस्तों 23 मार्च 2022 को यानी बुधवार के दिन कंडक्ट करवाई जाएगी। अगली परीक्षा आती है हमारे सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य परीक्षा 2021। इसमें भी काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई करते हैं और इसकी जो परीक्षा की तारीख है वो है 3 अप्रैल 2022, यानी कि ये एग्ज़ाम आपका रविवार को कंडक्ट किया जाएगा। अगली जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा आती है वो है स्टाफ नर्स पुरुष प्राथमिक परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापित जो 2022 के अनुसार है, इसकी परीक्षा आपकी 10 अप्रैल 2022 को यानी रविवार को ली जाएगी।
अगली हमारी जो परीक्षा है इस टेबल में वो है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 जो 17 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाई जाएगी। अब हम आते हैं हमारी अगली परीक्षा पर जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पॉपुलर है। ये परीक्षा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य चयन, विशेष चयन आदि मुख्य परीक्षा 2021 जो कि दोस्तों आपकी 24 तारीख को यानी कि 24 अप्रैल 2022 रविवार को कंडक्ट करवाई जाएगी। वहीं अगली परीक्षा जो आती है वो है प्रवक्ता राजकीय आश्रय पद्धति की मुख्य परीक्षा आपकी 1 मई 2022 को होगी। उसके बाद आरक्षित, ये जो मतलब जहाँ पे आपको टेबल्स में आरक्षित दिख रहा है इनकी जो डेट्स हैं या जो एग्ज़ाम्स हैं वह अभी नहीं आए हैं। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आता है मैं आपको अवश्य इनके बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी यानी कि उसकी स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वो 2020 यानी कि जो 2020 की ये परीक्षा थी वो 15 मई 2022 को होगी। वहीं प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक यानी कि सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रबंधक सिस्टम परीक्षा जो है वो भी आपकी दोस्तों 25 मई 2022 यानी कि बुधवार को कंडक्ट करवाई जाएगी। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर 15 जो इनके एग्ज़ाम थे उनके बारे में जाना। चलिए आगे भी जानते हैं। अगली जो हमारी परीक्षा है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर परीक्षा भी है। काफ़ी सारे उम्मीदवारों को इस परीक्षा की तारीखों का इंतज़ार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2022 तथा सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 वहीं ये परीक्षा 12 अगस्त 2022 को कंडक्ट करवाई जाएगी। अब हम आते हैं हमारी अगली परीक्षा की तरफ जो है स्टाफ नर्स पुरुष मुख्य परीक्षा 2017 जो 24 सात 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं नेक्स्ट जो इसका एग्ज़ाम है वो है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं परीक्षा 31 सात 2022 को जो है ये परीक्षा आपकी आयोजित करवाई जाएगी। आगे अगर हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो एज़ पर दी नोटिफिकेशंस प्रवक्ता होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 14-8-2022 यानी कि रविवार को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं सहायक रेडियो अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 भी 28-8-2022 यानी कि रविवार को आरक्षित करवाई जाएगी। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा हमारे सामने आती है दोस्तों वो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा। इस परीक्षा के लिए भी काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जो ये परीक्षा है वो आपकी दोस्तों 27-9-2022 यानी कि मंगलवार को आयोजित करवाई जाएगी। तो ये पूरी वह इंफॉर्मेशन है यानी कि ये पूरा एक एग्जाम कैलेंडर है जो UPPSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। आप अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। वहीं मैं आपको बता दूं कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एग्जाम कैलेंडर में आयोग की स्थिति को देखते हुए बदलाव भी कर सकता है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह ताज़ा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। तो दोस्तों अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आप इन सभी किताबों को Amazon और Flipkart से खरीद सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।